SM न्यूज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं भाई सुधीर राज जी। तो आप आपको ये बताएंगे कि ओम मणि पद्मे हूँ इसका क्या महत्व है और ओम शब्द का क्या महत्व है। मैं चाहूँगा कि सुधीर राज जी से इस पे चर्चा करें। ओम मणि पद्मे हूँ एक लाइन है जिसका शाब्दिक अर्थ है ये जो हमारी तिब्बत के अंदर संस्कृत चलती है जिसमें पाली और संस्कृत एंग्लो संस्कृत करके तिब्बतन संस्कृत करके बोलते हैं, वैसे तो वो बहुत भाषा है, उसमें ओम मणि पद्मे हूँ का शाब्दिक अर्थ है कमल को खिलने दो। कमल को खिलने दो का मतलब भगवान का जब जन्म हुआ था तो 7 कदम वो चले थे कमल की पंखड़ियों के ऊपर, तो कमल खिले थे, तो ऐसा मानते हैं कि भाई धम्म को आगे बढ़ने दो, कमल को खिलने दो। धम्म और कमल एक ही बात है, यानी धम्म का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमल के फूल से दिया जाता है। इसलिए भगवान की संस्कृति में, बुद्ध की संस्कृति में, बौद्धों की संस्कृति में कमल शब्द और कमल की पंखड़ी के जो द्वार बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है, मगर ओम जो शब्द है, ओम शब्द प्योर पाली का शब्द नहीं है। पाली प्राकृतिक के अंदर ओम शब्द की उत्पत्ति नहीं है। ओम जो बताते हैं वो ए ऊ एम करके बना है, ओ ए ऊ मैं ओम ऐसे करके तीनों शब्दों को मिला के बोलेंगे तो ओम की आवाज़ आएगी और इस पे एक अनुस्वर भी होता है, अंकी बिंदी भी होती है, तो ए ऊ अंकी बिंदी और मैं करके ओम की स्वर निकलता है। मगर पाली में जो शब्द है वो है निगहित शब्द बोलते हैं उसको, अनुस्वर बोलते हैं अंग। ये बड़ा प्रमुख शब्द है जिसको स्वर में नहीं नापते मगर वो स्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं बुद्धंग शरणंग संघंग, मगर संस्कृत में इसको बंद कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं बुद्धम शरणम धम्मन ऐसे करके, तो आखिर में मैं ऐसे इसको बंद करते हैं तो ओम की आवाज़ निकलती है, और अगर आखिर में एम से बंद ना करें, अंग करें खाली, तो ये पाली की आवाज़ देता है। बेसिकली ये जो शब्द बने हैं इनको टंकार शब्द बोलते हैं, ये सारी दुनिया में चलते हैं। टंकार शब्द इसलिए बनते हैं क्योंकि इनमें एक गूंज होती है, जैसे हम बोलते हैं धम्म, ऐसे ही अगर हम इसको बोलें धम्मंग शरणंग, और अगर हम और भी टोंग की बात करें जो जिनमें टंकार निकलती है, तो हम हर शब्द का बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं टन जोंग पिंग मोंग जंग अंग। तो पाली में अंग शब्द या जो बाद में अंग आता है इसको ही संस्कृत में ओम के नाम से उच्चारित किया गया, क्योंकि पाली प्रमुख भाषा थी, लोक भाषा थी, लोगों की भाषा थी, और संस्कृत जो बाद में बनी जिसको संस्कृत किया गया, मॉडिफाइड किया गया, जिसको बढ़ाया गया, ये एक खास वर्ग की, अभिजात्य वर्ग की, जो बिल्कुल अलग वर्ग था उसकी भाषा थी। इसको हम सीक्रेट कोड भी बोल सकते हैं कि ये सीक्रेट कोड की भाषा थी, इसको बहुत कम लोग जानते थे। तो भगवान ने अपने सारी बातें जितनी भी कहीं वो संस्कृत के लिए बिल्कुल मना कर दिया और पाली और अन्य भाषाओं में उसको कहने के लिए उन्होंने किया। तो ओम शब्द का एक, क्योंकि ध्वनि हम बनाते हैं, जैसे हम बोले जब प्राकृतिक भाषा बन रही थी तो शब्द बने थे, जैसे नए शब्द बना, तो नए शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए और नए की अगर गूंज ले हम तो बोलेंगे ऐसे करके आवाज़ आएगी। ऐसे ही हर एक शब्द अपनी एक ध्वनि रखता है, एक तरंग रखता है, उस तरंग के हिसाब से शब्द बने, अक्षर बने, और वो ध्वनियों को रिप्रेजेंट करते हैं।